समाजवादी पार्टी के नव मनोनीत महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू के स्वागत का सिलसिला 2 जून को भी जारी रहा। 2 जून बुधवार को महानगर अध्यक्ष लगभग 2 बजे दिन जब चक्कर के मिला मुरादाबाद स्थित जिला कार्यालय पर पहुंचे तो अनेक पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका तथा साथ ही जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव का स्वागत किया। विदित हो कि समाजवादी पार्टी के समर्पित नेता तथा पूर्व पार्षद शाने अली शानू को अभी एक दिन पूर्व ही महानगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। श्री शानू का स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी के 27 मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जावेद अख्तर, वार्ड 7 के सपा पार्षद इद्रीस मंसूरी, सपा नेता तस्वीर हुसैन, मोहम्मद यासीन, मुबीन मलिक, वसीम मलिक, हाजी शरीफ, समीउल्लाह, आसिफ अली, शाहिद हुसैन तथा नगर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हाजी इशरत अली, ग्राम डिडौरा के पूर्व प्रधान पद प्रत्याशी हाजी शफीक अहमद, आज ही समाजवादी पार्टी में विधवा शामिल हुए युवा सपा नेता मुनासिब हुसैन, युवा सपा नेता वसीम अकरम, जमशेद खान, रिजवान चौधरी, राजा खान आदि शामिल रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि, पूर्व जिला अध्यक्ष अतर हुसैन अंसारी, वरिष्ठ सपा नेता डॉक्टर विकास चौधरी, वार्ड 12 के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य नाजिम अली, युवा सपा नेता अब्दुल गनी, नफीसुद्दीन, सैयद अरशद अली आदि भी उपस्थित रहे। 27 मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जावेद अख्तर तथा पार्षद इद्रीस मंसूरी ने इस अवसर पर नव मनोनीत महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू को मुबारकबाद पेश करते हुए पार्टी हाईकमान के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि पार्टी जो भी फैसला करेगी हम एक वफादार सिपाही होने के नाते उसका समर्थन करते हैं।